अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द फिनोटिपिक रेशियो, देखो बेटा ये जो F2 क्रॉस है ना, ये इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद मिलता है। इस इनको क्रॉस कराने से आपके पास राउंड आते हैं 3 और रिंकल्ड जो आते हैं वो आता है 1। तो हमारा आंसर बनेगा बीटा। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो लिंक्ड जीन होते हैं ना वो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। ऑर्गन इन वंस इन यूज एंड फुली डेवलप बट जो फ्यूचर में वो वर्क नहीं कर रहा तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन मैन इज कंसीडर्ड एज अ वेस्टिजियल, जो है बेटा जो एयर मसल्स होते हैं ना ये वेस्टिजियल है। म्यूटेशन इन पॉपुलेशन जो है बेटा ये ऑफन लीड टू एवोल्यूशन का सबब बनती है। वन विच इज एंडेमिक, एंडेमिक किसी एक ही इलाके में पाए जाने वाले जानदार को कहते हैं, आर्मेडिलोस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्वेशन, देखो बेटा जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट थी ना इसने मजबूर कर दिया था कि जानदार कोई दूसरा सोर्स फाइंड आउट करे और वो सोर्स बना फोटोसिंथेसिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड द ऑर्गेनेल ऑफ सिंबायोटिक ओरिजिन, देखें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है ये सिंबायोटिक ओरिजिन होता है। जैसे फ्लैजेला स्पायरोचीट से बना, ये एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस से बातें ड्राइव हुई हैं, लेकिन इनका ताल्लुक सेल मेम्ब्रेन से नहीं है तो चार्ली बनेगा। फॉसिल्स आर एक्चुअली जो है बेटा ये ऑल ऑफ दीज, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स सेडिमेंटरी रॉक्स में होते हैं। सिमिलैरिटी इन द करेक्टर रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, ये होमोलोगो की डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्ड अंडर द होमोलोगस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, जो है बेटा ये जो विंग ऑफ द बर्ड और इंसेक्ट जो होते हैं ना दीज आर एनालोगस, एनालोगस होते हैं ये। तो ये आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ गिल पाउचेस इन द एम्ब्रियोनिक फॉर्म, ये जो होते हैं ना बेटा ये जो स्ट्रक्चर है गिल पाउचेस और फिर इनका जो है ना वो एस्टिचन ट्यूब बनाना, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। और आप जानते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देते हैं। इजी हो गया। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर के बारे में बताया गया और वो चेंजेस जो कि एनवायरमेंट की वजह से होती हैं उनको एक्वायर्ड करेक्टर कहा जाता है या यूज और डिसयूज कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमारा इसका आंसर बनेगा चार्ली। सीरीज ऑफ द फॉसिल्स विच आर प्रेजेंट इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, देखो बेटा दो तरह के जानदार है, एक है जो इस वक्त प्रेजेंट है, एक वो है जो कि पास्ट में मौजूद है। इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्टिंग लिंक है ना वो फॉसिल्स है, फॉसिल्स कनेक्टिंग लिंक। अब कैसे, देखो आजकल के जो बर्ड्स है ना ये ड्राइड हुए थे डायनासोर से, हमें ये बात कैसे पता चली, फॉसिल्स को देख के, क्योंकि इनके फॉसिल्स जो हमें डायनासोर्स के मिले वो आजकल के बर्ड से थोड़े थोड़े मैच करते हैं। तो ये बात हमें फॉसिल्स जो है ना बेसिकली ये कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। आंसर हमारा बनेगा चार्ली। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन एक्सेप्ट, यहां लिखा हुआ है कन्वर्जन, ये तो एनालोगस देते हैं बल्कि वो तो होमोलोगस होते हैं। गिल पाउचेस मिडल एयर को थ्रॉड के साथ अटैच करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन शामिल नहीं होता, सिंपल बातें। न्यूरॉन शो द स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल, देखो रेस्टिंग पोटेंशियल में न्यूरॉन होता है पोलराइज्ड और उस स्टेट में सोडियम जो है ना वो 10 टाइम्स मोर होता है आउटसाइड। तो हमारा आंसर बनना चाहिए बीटा। व्हेन एक्शन पोटेंशियल बिगन सोडियम गेट ओपन नो द पोलैरिटी चेंज, ये जो है ना बेटा नेगेटिव आउटसाइड हो जाएगा और अंदर की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव, विच इज नॉट ट्रू ऑफ साइनेप्स, यहां लिखा हुआ आखिर में कि डेंड्राइट न्यूरो ट्रांसमीटर पैदा करते हैं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक्सॉन के टर्मिनल्स वो बनाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। आफ्टर फायरिंग इंपल्स द न्यूरॉन इज कैपेबल ऑफ रिस्पोंडिंग एनदर, ये जो है ना एनदर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता क्योंकि उसमें एक रिफ्लेक्टरी पीरियड होता है जो एक किस्म का एरिया ऑफ रिवर्सल होता है, यानी वो वापस अपनी पोलराइज स्टेट में आ रहा होता है इस दौरान, ठीक है ना। इसमें रिपोलराइजेशन भी शामिल हो जाती है और हाइपर पोलराइजेशन भी शामिल हो जाती है। ये तकरीबन 1 to 4 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड होता है। रिफ्लेक्स आर्क में रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स होते हैं जिनको अफेक्टर्स कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड करती है,
टाइप ऑफ न्यूरॉन विच एक्टिव द, देखो बेटा बाइसेप मसल्स अफेक्टर होते हैं और ये मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं। द एलीलिक सेपरेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रेड, टू डिफरेंट ट्रेड की बात होगी तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द सीरम ऑफ द ब्लड टाइप कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें एंटीजन्स नहीं होते, एंटीबॉडी होती है। विच वन इज एक्स लिंक डोमिनेंट, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट। बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जीन। अल्टर्ड अल्टरनेट फॉर्म जो होती है दो से ज्यादा वो मल्टीपल एलील। परसेंटेज ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया 8, ये हीमोफीलिया ए होता है और 80% होता है। एस आर वाई शॉर्ट आर्म पर पाया जाता है। और फिर लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट डिपेंड अपॉन द मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिलेटिव टू द ऑटोसोम। बेटा ये वाला जो सिस्टम होता है ना, ये वाला एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, इसको कहते हैं जीनिक सिस्टम। बेसिकली ये ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ड्रोसोफिला में मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि ड्रोसोफिला में एस आर वाई जीन एबसेंट होता है, नहीं पाया जाता एब्सेंट। इसमें जीनिक सिस्टम होता है, वो कैसे, देखो इसके अंदर ना आप ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम की रेशियो चेक करते हो, सेक्स क्रोमोसोम। अब देखें इसके अंदर ऑटोसोम की तादाद 6 होती है, तो इन 6 के 6 को आप एक नंबर देते हो, और इसके मुकाबले में अगर सेक्स क्रोमोसोम 1 और अगर मोर देन 1 है तो इट विल बी अ फीमेल ड्रोसोफिला, और अगर लेस देन 1 है तो आप उसको नाम दोगे मेल ड्रोसोफिला। आप कैसे, देखो एक एक्स को आप नंबर देते हो 0.5। अब मैं अगर कहूं एक्स एक्स आ गया तो ये 0.5 जमा 0.5 हो गया 1, 1 हो गया तो फीमेल, और इसी तरह मैं अगर लिख दूं ये तो इसमें सिर्फ 0.5 मिलेगा तो ये हो जाएगा मेल। अब देखो एक बड़ा हैरान कुन केस, एक्स एक्स वाई, इसके अंदर इसका जवाब बनेगा 0.5 जमा 0.5 जमा वाई, तो ये 1 आ गया तो इट विल बी वाई, होने के बावजूद भी ड्रोसोफिला फीमेल है, ठीक है ना। तो ये मेरा ख्याल बात समझ आ गई होगी आपको। इन वट पार्ट ऑफ द ड्रोसोफिला जॉइंट, जो क्रोमोसोम होता है वो उसके सिलेवरी ग्लैंड पर होता है। यहाँ पे हमारी डिस्कशन मुकम्मल हुई, आपका कोई सवाल हो तो अपना क्वेश्चन पूछेगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक